हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सनी देओल का चर्चा हर तरफ हो रहा है। गदर 2 ने जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है बॉक्स ऑफिस पर, वो हर किसी के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट साबित हो रही है। और इसी बीच सनी ने अपनी फिल्म की सफलता को देखते हुए ग्रैंड सक्सेस पार्टी का आयोजन किया, जहाँ पर पूरा देओल परिवार एक साथ एक फ्रेम में नजर भी आया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि इस पार्टी में शाहरुख खान भी पहुंचे थे। जी हां, सनी के बुलावे पर शाहरुख दौड़े दौड़े आए। लेकिन क्या आपको पता है इन दोनों की दुश्मनी आखिर क्यों खत्म हुई है? आखिर क्या वजह है कि अब सनी ने शाहरुख को कर दिया है माफ? तो चलिए गाइस, मैं आपको बता देती हूँ वो वजह। दरअसल कुछ तस्वीरें नई सामने आई हैं जिसमें सनी देओल, शाहरुख खान और करण देओल यानी कि सनी का बड़ा बेटा और उनकी पत्नी यानी कि दृशा आचार्य नज़र आ रहे हैं। और माना जा रहा है कि जो दृशा आचार्य है सनी की बहू, वो शाहरुख खान की है बहुत बड़ी फैन। और ऐसे में सनी ने दृशा के कहने पर शाहरुख को अपनी इस पार्टी में किया है शामिल। जी हां, और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि दृशा कैसे शाहरुख के साथ खिंचवा रही है ढेर सारी फोटो। देखिए, एक तरफ उनके पति करण देओल खड़े हैं तो दूसरी तरफ दृशा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं शाहरुख खान। और ये तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गई हैं, क्योंकि ये पहला मौका है जब करण देओल, दृशा और शाहरुख एक ही फ्रेम में दिखाई दिए हो। ये फोटो फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। इन तस्वीरों में दृशा के चेहरे पर शाहरुख के साथ पोज देने की खुशी अपने आप में इस बात का सबूत दे रही है कि दृशा को शाहरुख खान कितने ज़्यादा पसंद है। जहां एक तरफ फैंस सनी पर दिल लुटा रहे हैं तो वहीं उनकी बहू शाहरुख खान के लिए क्रेजी हुए जा रही है। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है। बहरहाल गाइज, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए ताज़ातरीन गॉसिप्स के लिए गॉसिप टाउन।